बात आ गई तो नबी पाक के साथ मुझे दफन कर देना, मेरा बात आई तो जन्नत बकी में दफन कर। नसीहत किसने की? सब बोलो, बोलिए। आज नबी वाले हालात बड़े खराब है ना। अब एक तरफ नबी वाले लोग अमन की बात करते हैं, अकीदे की बात नहीं करते, लेकिन मैं अकीदे की बात कर रहा हूं। और क्या लोग कहते हैं नबी को क्या है, नबी नहीं जानता, नबी तो बरकत नबी हो गया, उनको या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, मानते हो लकई या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, क्यों इनकी याद में कॉन्फ्रेंस से मुलाकात करते हो, क्या हो गया? वो तो आपकी बात को नहीं सुनते, नहीं सुनते अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक तस्वर ये है और एक तरफ एक तस्वर सिद्धि की है। सिद्धि की अकीदा क्या? फरमाया कि मुझे उठा के ले जाना और जाकर रखना। तो जिस वक्त आपने वसीयत की थी हजरत उमर फारूक जिंदा थे या नहीं? बोलो ना यार। हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अल मुर्तजा, हजरत फातिमा गुस्साहरा थे ना जिंदा? अगर उनका भी ये अकीदा होता तो इतराज करते ना, लेकिन उन्होंने इतराज नहीं किया। पता चला सिद्दीक का भी अकीदा यही था, तमाम सहाबा अहले बैत इकराम का भी अकीदा यही था कि कमली वाला जिंदा। और ये जो हमारी आंखों और हमारी नजर पर पड़ता है, लेकिन सरकार तो जिंदा है। अगर ऐसा न होता सैयदना असली के पर ये वसीयत न करते। चुनाचे फौत हो गए, आपके जस्ते अजहर को उठाकर वहां ले जाया गया। जब ले जाया गया अब किया गया कि यार सुंदर सिद्दीक हाजिर है, तो मैं अपनी किताब का नहीं अशरफ अली थानवी की किताब का हवाला देते हुए इमदाद मुश्ताक का ये बात उसका रहा हूं। उसी वक्त कब्रे अनवर से आवाज आई। क्या आवाज आई? अब फिरुल हबीब इलल हबीब वइन अल हबीब इलल हबीब मुश्ताक।